ए मैन, वो फ्रॉड दूसरी फिरंग को अपना शिकार बना रहा है। अबे हो सकता है वो पहले से दोस्त हो यार। He's a hunter man। अबे पीने पे ध्यान दो। बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम अभिमन्यु। उसको अभी बता। चल चल चल, बैठ जा। कहाँ ना? अर्जेंटीना। Wherever you're from, I। मेरी बात सुन। अगर एक लड़की को और छेड़ेगा ना, तो उसे मैं खुद सीधा करूँ। Confirm bro? एकदम confirm। Hello, my name is Abhimanyu. He was a great warrior. This is my bar actually. Hi, what is your name? Hi, very soft hands. तुम्हारे तेज चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हम लोग आर्मी में हैं ब्रो। तो यहाँ परेड करने आए हो? उल्टा जवाब देता है। You please don't go. Hey, चल खड़ा हो जा। अबे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? चल कर यार। अरे ठीक है, रुक। सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? तुम लोग मार क्यों रहे हो? तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। खबरदार, आइंदा कभी फॉरेनर्स की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो। अतिथि देवो भव। लगता है ज्यादा पी गया। अभिमन्यु भांजे, अभिमन्यु क्या हालत बना रखी है? किसी ने जूस निकाल दिया है तेरा। चिल्ला मत, दुबई में बैठे बार के मालिक को तेरी हरकत का पता चल गया ना, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची की धुनी देगा। दिन रात विदेशी कबूतरियों के सपने देखता रहता है। मामा, बिना वीजा के मैं फॉरेन नहीं जा सकता, इसलिए एक ही रास्ता है, किसी फिरंगी से शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाऊं। इंडियन लड़की पटाना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल है, लेकिन उनसे शादी करना इजी है। विदेशी लड़कियां एक मिनट में दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन शादी के चक्कर में नहीं पड़ती। पापा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन मैं एमी जैक्सन से शादी करूंगा। उसके लिए तुझे माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा। ए, तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, तभी तेरी नाक तोड़ दी। देख तेरे पापा को फोन होगा। अब इसे क्या हो गया? हाँ बोलो। बेटा, तेरी बहन सेल्वी का कार एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। एक्सीडेंट हो गया? सेल्वी से बात कराओ। अरे बेटा, वो इस वक्त इंजेक्शन ले रही है। इंजेक्शन ले रही है? डॉक्टर से बात करवाओ। अरे भाई, डॉक्टर ही तो इंजेक्शन दे रहा है। नर्स, कंपाउंडर, वॉचमैन, कोई तो होगा ना, उन्हें फोन दो। क्यों बेटा, अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं है? दुनिया में तुम आखिरी इंसान बचोगे, तब भी नहीं करूंगा। अब फोन रखो। आपके झांसे में नहीं आया? पता चल गया, तेरा भाई तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उससे एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल है। अपने बाप को थोड़ी तो इज्जत दे। पूरी दुनिया से झूठ बोल के तो उधार लेते रहते हैं, मैं क्यों इज्जत दूंगा? इस महीने घर खर्च भेज चुका हूँ मैं। भांजे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी खुद भी वहाँ जा, आखिर वो तेरा घर है। भांजे, घर? आपकी बहन यानी मेरी माँ, जब वो गई तो घर भी छूट गया, बस अब एड्रेस रह गया है। वो बाप मुझे बेटा समझेगा तब तो मुझसे प्यार करेगा ना। माँ चली गई तो मुझे उठा के मिलिट्री स्कूल भेज दिया, मुझसे मिलने तक नहीं आया। देख भांजे, सब कुछ भूल जा, माफ कर दे उसे। अरे मामा, मुझे माफ करो यार, एक पैग और बनाओ। नहीं दूंगा। अरे मामा प्लीज यार, इसके बिना नींद नहीं आएगी। जब वो तुझे मार रहे थे तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मौका ही नहीं दिया, जिसका जैसे मन किया मार दिया। इसीलिए लिमिट में पीना चाहिए। बस एक बार कल सुबह मेरा हैंगओवर उतर जाए तो फिर। तो क्या बिगाड़ लेगा उनका? नशे में उनका थोबड़ा भी नहीं देख पाया होगा। इतनी रात को गॉगल्स? रजनी का फैन है क्या? लुंगी डांस, लुंगी डांस। वेट एंड सी। देखते हैं देखते हैं। जेंटलमैन, We welcome you all to the Military Training Academy, और मुझे यकीन है कि एक साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर you all will be the best officers of the Indian Army. During this training, you'll be under the charge of a best officer, Major Abhimanyu. अगले एक साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन, जय हिंद। अटेंशन सर, लेफ्ट टर्न। वहां सेकंड फाइल में जो थर्ड कैडेट है, जरा बाहर आएंगे। अबाउट टर्न। थर्ड फाइल, फर्स्ट कैडेट, स्टेप आउट। लेफ्ट टर्न। गॉड प्लीज सेव मी सर। वो थर्ड फाइल में फोर्थ बंदा आपने मिस कर दिया। अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। मत मारो मत मारो कह रहा था। नाउ टेल मी, पैर पर अटैक किसने किया? मार, टांग पर मार, मार, तोड़। आजा,
अपना पैर पकड़, अब ग्राउंड के 100 राउंड मार, चल निकल। शोल्डर पे किसने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा? नीचे बैठ, जंप 100 राउंड्स, निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था। रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई, मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं। 100 परिक्रमा लगाई है। तथास्तु। सर, मैं तो सिर्फ देख रहा था। अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना। होल्ड हिम, इधर से घसीट मैन, अभी तेरा गर्मी निकालता है। ठीक ठाक किया ना। तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं। हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा, दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा, और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा। सब टाइम गलत है सर। तेरा टाइम भी गलत है। चल बोल। गुड नाइट मेजर। सिर्फ आज नहीं, पूरे साल करना है। What? निकल। गुड नाइट मेजर। बॉयज, इट्स 4 AM, वेक अप। आर यू रेडी फॉर द ट्रेनिंग? गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। सो इन द फर्स्ट सेक्शन क्या लिखा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? सर मैं वो हाय। हे मामा, ये किसकी बच्ची है? घर में नर्सरी खोल दी क्या? सीधा कॉलेज खोलूंगा, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा? पड़ोसी की बच्ची है। मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो। हाय बेबी। बहुत बुरा हुआ इस Hello. बच्ची के साथ। इसके पापा गुरुमूर्ति ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। क्या कह रहे हो मामा? इस शहर के हर घर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हर चीज होती है, और ये सब चीजें आती कहाँ से है? क्रेडिट कार्ड के EMI पर। गुरुमूर्ति ने भी यही किया। लोन चुकाने से उसे मरना आसान लगा। इसकी माँ इंश्योरेंस का पैसा लेने गई है। एक सेकंड पकड़। हाँ, मेरी सीटी बज गई है। आ जाओ बेटा। तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा। शादी हो जाती तो मेरी ऐसी सीटी नहीं बजती। रोते नहीं बेटा, मम्मी आती होगी, वो तुम्हारे लिए कुछ एक्सक्यूज में यही होगी। गुरुमूर्ति का घर कौन सा है? अगला फ्लैट है, उस पे तो ताला लगा है। हाँ आती ही होगी। हाँ मैं वही हूँ सर, वो सुसाइड केस वाला गुरुमूर्ति। अरे बहुत टेंशन हो गया है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। मैडम। हाँ? आप गुरुमूर्ति जी की मिसेस हैं? जी हाँ, कहिए। ओहो, अरे मैं कितनी बार फोन करूँ, तुमको फोन उठाने को होता नहीं है क्या? नहीं। या पति ने मरते टाइम बोला था कि लोन वाले का फोन उठाना मत? लोन लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? EMI भरने को होता नहीं है? घर लोन पे, कार लोन पे, गांव में कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोन लेने में मजा आ रहा था क्या? प्लीज चिल्लाइए मत। तो क्या पूजा करूं? मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। मुझे टाइम देने से क्या होगा, तेरा पति लौट आएगा, कहां से लाएगी इतना पैसा? और तू भी मर जाएगी तो लोन कौन चुकाएगा? मेरी बात। चल दरवाजा खोल। बोली गाय बन के खड़ी है मेरे सामने। मामा जरा ऐसे पकड़ना, मैं अभी क्या हुआ बात कर लेना। ऐसे मुंह लटकाने से कर्जा उतर जाएगा। अब दरवाजा खोल। अरे कौन है तू? मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये काम है? ये काम है? हमारे देश में 5-6 बैंक से करोड़ों का लोन लेके विजय मालिया फॉरेन में ऐश कर रहा है। उससे मांगा था कभी? छोटा बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाला, नौकरी करने वाले लोगों से एजुकेशन लोन बोल के गरीब स्टूडेंट्स को लूटते हो? धमकी देगा। देख, अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है, लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बदतमीजी करना, गुंडागर्दी करना आदत बन गई है तुम जैसों की। ए, तू जानता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, फिर से तेरा मनहूस चेहरा इस एरिया में कहीं दिखा ना, 4 गोली भेजे में उतार दूंगा। चल निकल। मेरी बाइक। बाइक मेरी। बाइक उठाने का बहुत शौक है ना सर? जाता कि